और मिस ईशा ने मेरे क्लाइंट के नाम और शौहरत को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो कि गोल्ड डिगर लड़की यही कर सकती है। खेल में ना मुझे पोलो बहुत पसंद है। देखिए तुमने वो जो घोड़े पे बैठ के डंडे से बॉल को मारते हैं, पर इस दफा बॉल जो है ना वो मैं शावेस को बना रहा। हक और सच की आवाज बनने में डर लगता तो मैं कभी भी वकील बनना पसंद नहीं करता। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। क्या आप अदालत को यह बताना चाहेंगे कि आप इस केस से इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप ईशा को पसंद नहीं करते, क्या इनसे मोहब्बत नहीं करते? इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास गवाह मौजूद है और मैं उस गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा, जो रक्षिंदा बेगम के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। गवाह को पेश किया जाए। बिल्किस बेगम विटनेस बॉक्स में तशरीफ लाइए। ईशा बाजी कह रही थी रक्षिंदा बाजी को कि उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो वो उन्हें भी उमर भाई की तरह अपने रास्ते से हटा देंगी। वो मुसलसल वकील साहब के साथ फोन पे रابطे में थी। फिर कुछ देर बाद वकील साहब घर पे आ गए। उनके आते ही ईशा बाजी ने मुझे जाने को कहा। मेरे जाते ही आंख लग गई। चश्मदीद गवाह को सुनने के बाद ये अदालत ईशा और शावेस को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी बेवकूफी है जो मुझ पे इतना भरोसा किया। मैं तो किसी लेवल तक भी जा सकता हूँ, ट्रस्ट मी। इससे पहले हम ये जंग सिर्फ तुम्हारे लिए लड़े थे, अब ये हम सबकी जंग है। हौसला रखो, बी ब्रेव।